जयराम जी का जो अहंकार है वो फूट फूट के जो है बाहर निकल रहा है, एक फ्रस्ट्रेशन जो है वो फूट फूट के बाहर निकल रही है। इन्होंने विधानसभा में ही, आपको याद होगा कि इन्होंने पिछली विधानसभा में ही बोला था कि भगवान भी जो है इस सरकार को नहीं बचा सकता, क्योंकि इनका षड्यंत्र था और ये बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे। और मैं समझता हूँ रिजल्ट आपके सामने ही है, और आगे जो तीन जो विधायक हैं, जो निर्दलीय विधायक हैं, जब भी 6 महीने में 4 महीने में जब भी बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं, आप देखिएगा लोग जो है, जनता, क्योंकि इन्होंने पैसे लिए हुए हैं, जनता जो है इनको कैसे घर बिठाएगी, और ना ही आगे के रहेंगे, ना बीजेपी के रहेंगे, ना कांग्रेस के रहेंगे, पहली बात। और दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री महोदय बिल्कुल स्पष्टवादी हैं, स्पष्ट बात करते हैं, और जो कि इनको पच नहीं रही है। 5 साल जो है पूरे सरकार अपने दम के ऊपर करेगी, आपने जहाँ जो हो अल्लाह जयराम जी ने मचाना है वो मचाते रहे, इसमें कांग्रेस को या कांग्रेस के किसी भी कार्यकर्ता को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन मैं समझता हूँ कि जयराम जी का जो मैथमेटिक्स है वो थोड़ा कमज़ोर है। अभी 68 की विधानसभा है, उसमें 35 लोग चाहिए, जब 6 लोग सस्पेंड हो गए तो 62 की थी, 34 लोग जो है वो कांग्रेस के हैं ही हैं, और अभी 4 जीत के हैं, तो दैट मेक्स इट टू 38। 38 विधायक जो हैं आज की डेट में कांग्रेस के पास है, और बहुमत स्पष्ट है, इसमें इस्तीफा देने का सवाल ही नहीं उठता है। तो मैं समझता हूँ ये तो अस्थिर करने की कोशिश और लोगों को भ्रमित करने की जो है जयराम जी की पुरानी आदत रही है, और इसका तो इलाज नहीं है मेरे पास। देखिए ऐसा है, पहले इलेक्शन से पहले जयराम जी जनता में बोलते रहे कि 1500 रुपये देने रहे, जब नोटिफिकेशन कर दी खुद ही इलेक्शन कमीशन के पास चले गए कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन से रोक लगवा दी। अब आचार संहिता ख़त्म जो है वो हुई है, और लोगों को जो है एज़ पर जो नोटिफिकेशन 1 अप्रैल से जो है 1500 रुपये लोगों को एज़ पर क्राइटेरिया जो है मिलने शुरू हो जाएंगे। सर जिस तरह से